बेटी दोनों बहन स्कूल से पढ़ करके आई हो नहीं? हाँ बाबूजी, ठीक है, दोनों बहन खूब बढ़िया से पढ़ ली लिख ली बाबूजी। अच्छा, कोई चीज के कमी नहीं है बाबूजी। अच्छा, ये साथ में मंत्री भैया भी रहे। अच्छा, कोई चीज के कमी नहीं है बाबूजी। हाँ, अपने बिना मंगोले बाबूजी। बेटी है बेटी। हाँ बाबूजी, आपको मैं इसी के अपने बहनों पर बुलाया हूँ कि साथ साथ देश देश को जनता को बुला करके अपना कचहरी में बजा ले। सबसे भी पूछ पाछ हो और बड़ा मंत्री साहब राजा नागेश्वर सिंह बात को नहीं माने जो कहा दोनों बेटी को बुला करके पूछना होगा। इसीलिए दोनों बहन के मैं बुलाया हूँ। आप बैठ जाओ बेटी हेमंती, मेरा जो दिल का बात है मैं जाकर पूछूंगा। ठीक है बाबूजी। मंत्री साहब, सबसे पहले तो बेटी शांति को पूछा जाए। सही बात महाराज, क्योंकि वह बच्चा है, हो सकता है गलती सही करेंगे तो चल सकता है। शांति को पहले पूछेंगे। ठीक है महाराज, पूछ लीजिए। बउआ शांति, ए बताओ बेटी जान कि मान संसार में तुम्हारी जाना जाता कौन है, कि तुम्हारा पालन पोषण क्या है, किसको कौन भाग से पढ़ के दाना खाती हो, किसको कौन भाग से दुनिया में ऐसे मौज शांति कर 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 आई के घर भाग से खाए छे और आई के घर भाग से जिए छे। मंत्री साहब, सुन लिया बेटी शांति को बात? हाँ सुन लिया, सुन लिया। बात नहीं माना कि बेटी को बुलाओ। मैं पहले कहा था कि बाबूजी को साथ लेकर के बेटी रहता है, लेकिन आप बात नहीं माने। चलो बेटी है मंत्री, बाबूजी बेटी जान, मैं तुमको इसलिए बुलाया हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेरा जवाब का सवाल उत्तर देना होगा। संसार में जाना जाता तुम गरीब कौन है, कौन तुम्हें पालन पोषण किया है, किसको कौन भाग से पैसा देना खाती हो, किसको कौन भाग से पैसा वस्त्र पहनती हो, शांति मिलता है और रहती हो। बता कि बाबूजी, हाँ बोलो, अपनी इतनी छोटी बात के लिए बाबूजी अपने भारत सभा में मंगोली बाबूजी। ठीक है मंत्री साहब, कखनो रोच दीदा बता दीती बाबूजी, अपने भारत सभा में मंगावे के कौन जरूरी छ? जरूरी नहीं छले बेटी है मंत्री, लेकिन बात के मंत्री साहब नहीं बनल के ताई के ले तोरा दोनों बहन के बजावे। बताबा बेटी कि संसार में जाना जाता तुम्हारी कौन है, कौन तुम्हें पालन पोषण किया है, किसको कौन भाग से पैसा दाना खाती हो, किसको कौन भाग से पैसा चपाता है? कि बाबूजी बोलो, जलम तो दाता सही में आप है बाबूजी, पोषण पालन में अपनी किया बाबूजी, लेकिन कोई भी मनुष्य जन्म ले या बाबूजी, ये अपना भाग नसीब से जन्म लिया बाबूजी, अपना भाग नसीब से दुनिया में खाइए जी बाबूजी, ये दुनिया में भाग विधाता के करो कोई नहीं है बाबूजी। राजा भीमचंद उतना चिटकारी मारने से काम है, मेरा बेटी ही मंत्री है, उसको बोलने में गलती हो गई, मुझे मौका एक बार और दे दो, मैं पूछ लेता हूँ। बेटी है भंती, बेटी है भंती। हाँ बाबूजी, मैं तुम्हारी पिता, पिता को बच्ची उसीलता कहता है। मैं ये पूछ सही सही जवाब दे दो, मेरा जवाब का उत्तर ये बता कि संसार में तुम्हारी जन्मदाता कौन है, कौन तुम्हारा पाठ कर जाना खिलाती है, कौन तुम्हारा पाठ कर बस बोलो कि बाबूजी बोलो, जलम तो सही
बाबूजी अपना भाग नसीब से जन्म लिया, अपना भाग नसीब से दुनिया में खाई जी बाबूजी। ये दुनिया में भाग विधाता चक्रो कोई नहीं भैया बाबूजी। महाराज एक तरफ का मोस काट दीजिए। राजा साहब सबको तो कहवा लिया। राजा नागेश्वर सिंह कहिए महाराज। चलो यह मेरा घर का मैटर है, मेरी लड़की है, मैं अपना श्रद्धा लूंगा, तुम इस समय अपनी राज में जाओ। क्या कहा? इस समय मैं अपनी घर चली जाऊं तो ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। महाराज इसके बाद कोई भी देश में पार्टी मत बैठाइएगा, क्योंकि देश देश का राजा आपके डर से बोल दिया कि आपके कर्म भाग से खाते हैं, आपका कोई इज्जत नहीं रह गया। हेमंती तूने भरी से भर में नाक झोंक जाने वाले रमजादी जरा सा शर्म नहीं आया। कि बाबू जी हेमंती अपनी पीला भर सवाल बेइज्जती कर छी। तुम सोच लो हेमंती जैसे तूने मेरे ट्रेन के किया है, सभा को बीच में मुझे बर्दाश्त नहीं। अभी समय बाकी है, तुम एक बार अपने पिताजी को ईश्वर करके पुकार दो, तुम्हारा खाता माफ हो जाता है। अगर नहीं बोलेंगे तो बदन का धार उड़ा दूंगा तुमको। बाबू जी हेमंती मुख से निकल गेल कोना वापस आए। बाबू जी हेमंती तुम्हारे मुख से जो वचन निकल गया हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामायण से लिख करके बात को साबित किया। सुन लो क्या लिखे हैं, कहे हैं कि जो खड़ा मना मन ही आबा सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनाबा। अगर तुम्हारे पिताजी को नाम ईश्वर कहकर नहीं पुकारा हुआ तो तुम्हारे मुंह में पिल्लू क्यों नहीं भर गया जो पिताजी को नाम। मर गया मरने दो, यह मेरा बेटी नहीं। महाराज मैं तो जमंगी में भोग भात कर पर अरे भोग भात लुटा दूंगा क्या बात है। कहने हैं कहते हैं कि बेटी को दो ही जगह बात है, चाहे मर जाए तो मर्जी तल में और चाहे बस गया तो अपनी ससुराल में, नहीं हर में कोई उपाय नहीं। ऐसा बेटे मुझे नहीं चाहिए। बापूजी बाबू जी के निक बात कहली तो बाबू जी के नहीं निक लगिया। हाँ तारी दारू पीले भेंट भेलो तैला का मानो कर पिता ये मालिक ये मालिक सुनिए मामा बेसी मार पूज नहीं करिए बुझली 200 सोनो सजाई देबो पे बांध छान के एकरा लावा गरम कोठरी में जाके बंद कर दे बुझली। आ वो ते मार पीट नहीं करियो ले यहां के ये जनता हंस कत बेटे के ओते मारी कनका गलती के चलते तैला का एकरा ऊंटा बांध पहन कर आ गरम कोठरी में लाओ ये धई होई छी। मंत्री कहे है जे हो वैसे होते करते, लेकिन
विधान हो ही देव ऋषि वाणी जे हमर मन में बाटे ओकरा कोई नहीं मिटा सके ताई के लेल हेमंती चैना बाबूजी के उल्लंघन करके एके हम अपने नजर से देखे के चाहे छी एकरा तू बैन के हमरा सामने से दूर कर कर बंद कर ठीक है ला जरूरी तू रसरी दूर रसरी हमें हाथ पकड़ दू गंदा हाथ पकड़ा दू हाथ पर ओके हेमंती के हाथ पर पकड़ा दू किस लिए आपको मालूम है जो हाथ पर है किसको पकड़ा है बता ककरा पकड़ा है कल ऊंटा बांध बांध के धयब हाथ पर है पकड़ने का मतलब सुन लो जिस लड़की को जिस लड़का से शादी हो जाए हरम ज्यादा है हमती को शादी तुम्हारे से तो नहीं कह दिया कालिया कालिया ऊंटा बांध बांध के धयब लेकिन झूठ चली ये नदी नाल में डूबो मर जाए लेकिन झूठ बोलत नहीं बाजा ना कहियो नहीं बोलिए बाबा झूठ बोला से भगवान दर्शन नहीं दिए हां यो क्या मान दाता ये बाबू हमर बनलैया मंत्री साहेब हाँ महाराज ये कह रहे हेमंती के दोनों ढोलो हम सुनना नहीं चाहते ठीक है हेमंती के जल्दी से हमरा नजर से दूर कर लो जल्दी हाथ जल्दी से हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो जल्दी से हाथ पकड़ो पीछे में हाथ धरे छे आ के वो कर हाथ पकड़ा में चाहिए कि अपना आप पकड़ा दे साले लाज दरबार को खाना खाते हो आंख तुमको अंधा हो गया हमरा हमरा मन बता दे हम कर हम दिए के हाथ लो सैया के पकड़ो